नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी का फीड कैसे बनाएं, यानी कि अपने घर पर मार्केट से सामान खरीद कर बकरी का फीड कैसे बनाएं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। चूंकि देखिए, बकरी को फीड यानी कि दाना मिश्रण बहुत तरीके से खिलाया जाता है, उस तरीकों को भी जानेंगे कि आपको सानी में कैसे खिलाना है और कैसे बनाना है, और बिना सानी का यानी कि आपको अलग से दाना मिश्रण कैसे देना है, बकरियों को फीड कैसे करना है। लोग हमारे देश में बहुत सारे दानों का, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, और भी दाने हैं जो कि मिक्स करके या वैसे ही एक एक बकरियों को जो है कि खिलाया जाता है, बकरियों को मोटी तगड़ी होने के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस दाने में, देखिए बकरी को प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण का बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण जिस चीज में मिलता है, अगर आप वो चीज खिलाएंगे बकरी को, तो बकरी बनेगी आपकी मोटी तगड़ी। तो मैं लेके आया हूं एकदम बेहतरीन फार्मूला, और एक बार आप उसे आजमाएं। थोड़ा सा लेकर के आए, आप थोड़ा सा लेकर के आए, किलो दो किलो लेकर के आए, और अपने बकरी को खिलाएं और उसका रिजल्ट देखें, किसी एक बकरी को प्रयोग करें। मैं दोस्तों जो चीज मैं प्रैक्टिकली करता हूं, प्रयोग करता हूं, वही चीज मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। तो देखिए, बकरी का ग्रोथ बढ़ाने के लिए बकरी पालन में, जैसे मैंने कहा, विटामिन्स, प्रोटीन और खनिज, ये आपको मालूम होना चाहिए किस चीज में मिलता है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप पहले सामग्री को नोट कर लें। मैं 50 किलो पर बताऊंगा, आप 5 किलो बना सकते हैं, मार्केट से लेकर के आएं और उसे बनाएं और खिलाएं, आप उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद जो है कि आप अन्य बकरियों को भी खिलाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में यानी ज़्यादा लेकर के आएं। तो देखिए, आपको क्या चाहिए, आधा किलो नमक, सादा नमक जो अपने खाने में यूज करते हैं, और आधा किलो चाहिए मिनरल मिक्सचर, आधा किलो नमक, आधा किलो मिनरल मिक्सचर। और उसके बाद आपको चाहिए खली चाहिए आपको 9 किलो खली। अब खली सरसों की खल होती है, तीसी का खल होता है, और भी बहुत सारे बिनौला का खल होता है। तो जिस एरिया में जो खल मिलता है आप उसे लेकर के खिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई सरसों का ही खल हो, लेकिन तीसी का खल नहीं मिल रहा, बिनौला का खल हो जाए या तो फिर सरसों का खल, चूंकि तीसी का खल बहुत ही कम मात्रा में पड़ता है, ये लबाब बनाने के लिए पड़ता है। जो सामग्री मैं बता रहा हूँ उसमें आप चाहे तो मिला सकते हैं, और नहीं मिलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो उसको हम रख देते हैं साइड में, तीसी की खली को, आप बिनौला की खली या तो फिर सरसों की खल ले सकते हैं। और गर्मी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, सर्दी के मौसम में आप खल, जो सरसों का खल लेंगे वो आप थोड़ा किलो दो किलो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए मकई और जौ। तो जैसे कि आधा किलो मिनरल मिक्सचर, आधा किलो नमक, 1 किलो हो गया, 9 किलो जो है कि ये आपका खल हो गया, तो हो गया 10 किलो। मैं बता रहा हूँ 50 किलो का, तो 20 किलो आपको चाहिए मक्का, 20 किलो चाहिए जौ। और इन सब सामानों को लेकर के आपको सिर्फ जौ और मकई मिक्स करके रख देना है, बाकी सारा सामान अलग रहेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सबका खिलाने का तरीका अलग है। अगर आप सानी में खिलाते हैं तो खल को भिंगा करके खिलाना चाहिए, आपको जितना आपके पास बकरी क्वांटिटी में है उतना ही खल लेना है, और आपको उसको शाम को भिंगा देना है और सुबह बकरी के सानी में आपको डाल करके खिलाना है। वैसे ही स्वाद अनुसार जितना सानी बना रहे हैं उसमें नमक पड़ेगा, और वैसे ही 10 ग्राम 5 ग्राम के रेशियो के हिसाब से आपकी बकरी को मिनरल मिक्सचर पड़ेगा। और दाना मिश्रण आप चाहें, ये जो आपने मकई और जौ लिया है, चाहे तो डायरेक्ट सानी में मिला करके भूसे के साथ में आप बकरी को सर्व कर सकते हैं, तभी बकरियां खाएंगी, या तो इतना खिलाने के बाद आप उन्हें अलग से दाना दे सकते हैं। और कुछ भाई, जैसे मैंने कहा ये सानी में हो गया, अब कुछ भाई क्या करते हैं, जैसे चने का भूसा है उसका सानी नहीं बनता, डायरेक्ट डाला जाता है, और एक टाइम हरा चारा, जैसे मैं एक टाइम हरा चारा खिलाता हूँ, एक टाइम सूखा चारा खिलाता हूँ, मैं सानी नहीं खिलाता हूँ, पहले मैं खिलाता था। देखिए, जैसे जैसे जानकारी बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, उस तो समय के हिसाब से बदलाव होते रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भाई मैं सानी नहीं बनाता हूँ
हरा चारा खिलाया तो हरे चारे में मैंने मिनरल मिक्सचर मार दिया, नमक मार दिया, और फिर सूखा चारा में जो है कि हम अपना कुछ भी नहीं डालते हैं उसमें, नमक वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। तो बाद में शाम को मैं दाना यानी कि जो मकई और जौ है वो और खली, मेरी बकरियां को खली भिंगा करके देने का जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मैं डाल देता हूँ दाने के साथ में, सारी बकरियां खा जाती है। मैंने शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में भी अपने दिखाया है, हमारे चैनल पर जाकर के आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये रियलिटी है दोस्तों। तो आप इस तरीका जो है कि अपने बकरी बकरियों के लिए अपने घर पर एक बेहतरीन बेहतरीन फीड बनाने की विधि शायद आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला था दोस्तों, आपकी बकरी बहुत जल्द मोटी तगड़ी बनेगी अगर आप इस तरीका से ये फीड को बना करके अपनी बकरी को खिलाते हैं, आप मार्केट से लाएं और अपने घर पर बना लें। तो दोस्तों छोटा जानकारी था कि बकरी का फीड कैसे बनाएं, शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।